इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे ही हमारा सूट का कपड़ा है, जैसे इधर नग लगे हुए, ये हमारा अगला पीस है और इस दूसरी तरफ से ये हमारा पीछे वाला पीस है। तो सूट काटने के लिए हमें सबसे पहले हम आगे वाला पीस निकालना होता है। जैसे कि हमारी सूट की लंबाई 38 इंच तैयार है, तो हम ऐसे पहले 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इधर और 38 इंच को ऐसे नाप के ऐसे ये 38 इंच हम कपड़ा अलग कर लेंगे। इसके बाद ऐसे कपड़े को ऐसे डबल करेंगे। ध्यान रहे जहाँ तक आगे वाला पीस का डिजाइन है, जैसे कि ये ये फूल है, ये आगे वाली साइड में एक साइड है, इधर से साइड प्लेन है, तो हम ऐसे मोड़ेंगे। ऐसे और सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें पार्ट की चौड़ाई 20 इंच तैयार करनी है, ये हमारा 15 इंच हो गया। ध्यान रहे जैसे ये हमारा बिल्कुल बीच में आ गया, ऐसे हम पूरे पीस को ऐसे ही मोड़ लेंगे। जैसे कि हमने कपड़ा कर लिया, ऐसे हम इसको पहले नाप के देखेंगे कि ये बराबर है, कि यहाँ पे 15.5 इंच हो गया और यहाँ पे भी 15.5 इंच हो गया। अब हम इसको का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले कंधों का निशान लगाना होता है। ये निशान हम ऐसे 7 इंच पे लगाएंगे। ये निशान हमने 7 इंच पे लगा लिया और अब हम मुंडों का निशान लगाएंगे। ये हमने 6.5 इंच का लगा दिया। तो जैसे चेस्ट की गोलाई 38 इंच तैयार है, तो 38 के आधे 19 हो गए और 19 के आधे हो गए 9, चौथाई हिस्सा हमारा 9 हो गया। तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद ये निशान एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद ऐसे मुंडे से और नीचे तक हम 14 इंच का निशान हिप्स का लगाएंगे। ऐसे बीच में एक 7 इंच का निशान लगाएंगे जो हम कमर का फिटिंग लेंगे। ऐसे जैसे कमर हमारी 35 इंच तैयार है गोलाई, तो 17.5 हो गए और 17.5 के आधे 8.5, तो ये हम 9.5 पे लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हिप्स की गोलाई हो गई 40, तो यहाँ हम ऐसे 11.5 इंच पर लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम एक निशान, ये जो हमने निशान लगाया, ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे गोलाई करके मिला देंगे। ऐसे और जैसे कि हमें नीचे पार्ट भी 20 इंच तैयार करने हैं, तो यहाँ पे भी हम 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे। और फिर इसको ऐसे सीधा ऊपर वाले निशान को तक ऐसे मिला देंगे। इसके बाद जैसे कि हमने मुड्डे का निशान लगाया है, तो हम ऐसे 1 इंच का निशान गोलाई का लगाएंगे ऐसे। इसको भी हम ऐसे एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
ये हमारी आगे वाली पीस की कटिंग हो गई। अब ऐसे ही हम दूसरे पीस की कटिंग करेंगे। जैसे ये हमारा पीछे वाला पीस है, इसमें ऊपर कमर पर भी फूल दिया है डिजाइन, तो ये गले के नीचे आएगा, तो इसको भी हम ऐसे मोड़ लेंगे। मैंने ये पीस मोड़ लिया है, उसके ऊपर हम ये आगे वाला पीस रख के ऐसे ऐसे इसके बराबर रख के ऐसे, जैसे हमने 1 इंच का, यहाँ पे हमने 1 इंच का गहराई दी है, तो जो हम पीछे वाला पीस काटेंगे वो 1 इंच ऐसे बाहर की साइड निशान लगाएंगे, ऐसे ये बाहर की साइड होगा और ये आगे वाले पीस में हमने अंदर की साइड निशान लगाया। अब इस पीस को भी हम इसके बराबर ऐसे ही कटिंग कर देंगे। ये आपके सूट का कटिंग सिंपल कटिंग है, इसे आप जैसे आप सीखती हो तो आप आसानी से निशान लगा के आसानी से कटिंग कर सकती हो। यहाँ पे जो हिप्स का निशान है वहाँ पे हम ऐसे एक कट लगा देंगे। जैसे ही हमारे दोनों पीस की कटिंग हो गई, अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए जैसे ये कपड़ा है, इसमें से ही हम बाजू निकालेंगे, ऐसे बाजू को ऐसे कपड़े को ऐसे मोड़ के पहले हम लंबाई करेंगे। जैसे हमारी लंबाई 16 इंच तैयार है बाजू की, तो हम ऐसे 17 इंच कपड़ा लेंगे, इसको ऐसे डबल कर देंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये निकाल देंगे। जो कपड़ा हमारा डिजाइन वाला होता है उसकी बाजू हम साइड में से निकालते हैं, जो सिंपल कपड़ा होता है उसकी बाजू आराम से निकल जाती है, क्योंकि उसे हम अपने अनुसार मोड़ के कटिंग करते हैं। अब इस कपड़े को हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे अगर हम इस कपड़े को पूरा मोड़ दें तो हमें बाजू की चौड़ाई कम हो जाएगी, तो इससे हम ऐसे नाप के, और जैसे हम बाजू की चौड़ाई करते हैं, बाजू की चौड़ाई हम ऐसे ऊपर से नापते हैं, ऐसे जैसे हम बाजू की चौड़ाई हमें 9 इंच करनी है तो हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना होगा। इसमें हम हमारा कपड़ा नहीं है तो हम इसमें थोड़ा जोड़ लगाएंगे। उसके लिए जैसे ही हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम इधर से कटिंग करके और ये जोड़ लगाएंगे। जितनी हमें पट्टी चाहिए उसी अनुसार से हम इसमें से पट्टी काट लेंगे। ये हमारी डबल पट्टी हो गई, दोनों बाजू में जोड़ आ जाएगा। इसको हम पहले जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट लेते हैं। अब हम निशान लगाएंगे, जैसे कि हम ऊपर से बाजू नापते हैं, सड़े ऐसे 18 इंच तैयार है ये बाजू, तो नीचे से हम ऐसे 18 इंच नाप के और ऐसे ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ 15 इंच पर निशान लगाएंगे, 3 इंच कम ऐसे। फिर इस निशान को हम ऐसे ऊपर मिला देंगे। ऐसे 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 नीचे से 3 इंच ऊपर हम बाहर की साइड निशान लगाएंगे। ये निशान हम 1 इंच का लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर से नीचे तक इस निशान के ऊपर को ऐसे गोलाई लाई करेंगे, ऐसे। इसके बाद जैसे कि हमें मोराई जो आगे वाली बाजू की गोलाई है उसकी चौड़ाई हमें 10 इंच करनी है, तो 10 के आधे हमारे 5 इंच हो गए,
तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो अंदर का सिलाई में आएगा। तो ऐसे हम 6.5 इंच में निशान लगा देंगे। इसके बाद इस निशान को ऐसे ऊपर मिला के ऐसे निशान लगा के इसका कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे हमने निशान लगाया था इसी तरह से हम आगे वाली साइड निशान लगाएंगे, इसी बराबर ऐसे अंदर की साइड 1 इंच का। अब ऐसे बाजू को ऐसे करके ऊपर को हम ऐसे गोलाई कर देंगे। ये हमारा बाहर की साइड का निशान होगा, जो हमारी बाहर की साइड है पीस में आएगी। ऐसे हम ऊपर वाले 2 पीस उठाएंगे, 2 नीचे रहेंगे, तो हम इनकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाहर वाली साइड की कटिंग हो गई, जो आगे वाले पीस में जुड़ेंगे। ऐसे ये बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सिलाई के लिए हमें सबसे पहले गले की कटिंग करनी होती है। उसके लिए मैंने यह बुकरम लिया है। बुकरम की लंबाई 12 इंच है, 12.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। इसके बाद ऐसे बुकरम को ऐसे मोड़ते हैं। ऊपर की साइड हम सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जैसे गले की चौड़ाई हम ऐसे 2.5 इंच लेंगे। अगर आप गला चौड़ा पहनती हो तो आप 3 इंच भी लेती हो, अगर आप गला नेड़ा पहनती हो तो आप 2.5 इंच पर निशान लगा सकती हो। इसमें हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और गले की गहराई 7 इंच। उसके लिए हम ऐसे वी शेप में निशान लगाएंगे, थोड़ा ऐसे। ये वाला निशान, इसके बाद हम इसकी 1 इंच चौड़ाई का जो हम पट्टी लेंगे बुकरम की, उसका निशान लगाएंगे चारों तरफ को ऐसे ही 1 इंच की चौड़ाई का। फिर इस निशान को हम एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ऐसे इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम अंदर वाला बुकरम निकाल देंगे। इसके बाद ये वाली बुकरम निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा है बाहर की साइड। इसके बाद हम इसमें ऐसे जहाँ हमने निशान लगाया यहाँ तक हम ऐसे इस बुकरम पे कट कर देंगे। ये हमने ऐसे गले की कटिंग कर दी बुकरम पे। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे हम गला बनाएंगे उसके लिए हमने ये सूट वाला टुकड़ा लिया है एक, इसको हम ऐसे उल्टा फैलाएंगे और इसके ऊपर ऐसे गले को रख के, जो गले की कटिंग की है हमने ऐसे सीधा, और इसके ऊपर ऐसे बड़े नंबर करके सिलाई लगा देंगे गले के चारों तरफ। जैसे मैंने यह बुकरम के ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर लिया, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। कपड़ा हम इससे 1/2 इंच कपड़ा ऐसे ज़्यादा लेके बुकरम से जब निकालेंगे ऐसे। जैसे कि यहाँ पे ऐसे गोलाई है, यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे।
जैसे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया है, इसके बाद हम इसके ऐसे कपड़े को बुकरम के ऊपर करके ऐसे और चारों तरफ को ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने एक कपड़े पर सिलाई लगा के इस गले को तैयार कर लिया, इसके बाद हम इसको पीस पर लगाएंगे। जैसे ये हमारा आगे वाला पीस है, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल बीच में इसमें हम ऐसे कट करेंगे। कट के बाद फिर हम ऐसे बीच में इसमें निशान लगा देंगे। ऐसे फिर इसको ऐसे फैला के इसके बीच में हम ऐसे ऊपर तक कट तक ऐसे निशान लगा देंगे ताकि बीच की पहचान हो जाए। इसके बाद हम जैसे हमने गला बनाया है इसमें भी हम ऐसे बीच में कट करेंगे और नीचे ऐसे बीच करके इसका इस निशान लगा देंगे ऐसे। इसके बाद ऐसे कुर्ती के पीस पर रख के ऐसे, और ध्यान रहे गले को सरक ना देना, नहीं तो गला हमारा टेढ़ा हो जाता है। इसके बाद हम ऐसे बड़ा नंबर करके पहले हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इसके ऐसे बुकरम से नीचे बुकरम की ऐसे बराबर में ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ सिलाई हम ऐसे बुकरम पर दबा कर लगाएंगे, ऐसे बुकरम के ऊपर को जहाँ हमने ये कट किया है, ऐसे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने सिलाई लगा के गले पे तैयार कर ली, जो मैंने ये सिलाई लगाई है बीच में जहाँ कट है देखो ये ऐसे बुकरम के ऊपर लगी है। अब जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। कपड़ा हम ऐसे काटेंगे ऐसे थोड़ा आधा इंच इसके अंदर छोड़ के ऐसे ऐसे और इसके बाद जो बीच में सिलाई लगाया है इसको हम ऐसे सीधा कट लगा देंगे। इसके बाद ऐसे कपड़े में हम ऐसे कट कर देंगे ताकि जब बुकरम ऐसे गले को सीधा करे सलवट ना आए, अच्छे से सीधा हो जाए और गोलाई आ जाए। इसके बाद इसको बुकरम को ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरे गले में हम बड़ा नंबर करके ऐसे सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम तुरपाई करें उसके बाद उस सिलाई को हटा देंगे। जैसे मैंने गले के ऊपर या बड़े नंबर करके सिलाई लगा के गले को तैयार कर दिया, इसके बाद हम इसमें डिजाइन लगाएंगे। डिजाइन हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ हम बटन लगाते हैं। उसके लिए मैंने ये रेड कपड़ा है, इसमें जो रेड फूल है उसके अनुसार मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। ये हम मैंने 1.5 इंच चौड़े 1.5 इंच लंबे ये चौकोर टुकड़े काट लिया है। इसके बाद हम इसका ऐसे डिजाइन बनाएंगे। कपड़े को पहले ऐसे मोड़ेंगे और इसके बाद फिर हम ऐसे मोड़ेंगे ऐसे ऐसे हम सारे इसका ऐसे ये डिजाइन बना के ऐसे पहले हम ऐसे इसको एक दूसरे से खाली सिलाई लगा के ऐसे जोड़ लेंगे जितने हमें टुकड़े बनाने हैं उसी अनुसार से। जैसे मैंने ये लुप्पी जोड़ के डिजाइन तैयार कर लिया, इसके बाद हम ऐसे गले पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम ऐसे किनारे पे सिलाई लगाएंगे बारीक वाली, यहाँ तक। जब यहाँ तक सिलाई लग जाएगी तो हम इसके नीचे इसको रख के ऐसे 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 सीधी सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ को हम ऐसे ही किनारे पे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने ये इस पे डिजाइन लगा के तैयार कर लिया, इसके बाद हम इसके नीचे कपड़ा लगाएंगे। जैसे मैंने ये पट्टी ली है, इससे हमने थोड़ी बड़ी ली है, उसको ऐसे मोड़ के ऐसे और ऐसे पट्टी को ऐसे नीचे रखेंगे पहले और इसके ऊपर ऐसे यह सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसके नीचे ये करके ऐसे करके ऐसे इस पर सिलाई इस पे नहीं लगाएंगे, नीचे नीचे पीस पर लगाएंगे ऐसे। अब हम इसको इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने ये सिलाई लगा के तैयार कर ली, ये हमारा डिजाइन बन गया। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे मोती लगा देंगे ऐसे।
जैसे ये ऐसे उठ ये ऐसे उठाए, इसमें ऐसे हम सुई से ऐसे एक एक मोती टांग देंगे ऐसे, इस टाइप से चारों पांचों इसमें हम मोती लगा देंगे। इसके बाद हम पीछे वाला पीस का गला बनाएंगे। बैक पीस है, इसके गले की हम कटिंग करेंगे। उसके लिए ऐसे हम 3.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाएंगे ऐसे, और 4 इंच की गहराई का लगाएंगे। अगर आप गला बड़ा पहनती हो तो आप 6 इंच पे या 7 इंच पे निशान लगा सकती हो ऐसे। इसके बाद ऐसे हम इधर भी 3.5 का लगा दिया ऐसे, फिर हमने ऐसे गले को चकोर कर दिया। इसके बाद 1 इंच का ऊपर निशान लगा के ऐसे गले की ऐसे गोलाई बना दी ऐसे। अब इसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। ये हमने इसका कटिंग कर दिया, फिर हम इसके इसमें पट्टी लगाने के लिए इसकी पट्टी निकालेंगे। इस कपड़े को ऐसे मोड़ के ऐसे इसके ऊपर जो हमने कटिंग किया है ये कटिंग रख लेते हैं ऐसे, फिर इसके चारों तरफ को ऐसे हम ये कपड़ा की कटिंग कर देंगे ऐसे। और जैसे कि हमें 1 इंच या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है वो ही हम ऐसे ऐसे ये पट्टी काटते हैं। ये हमारी पीछे वाले पीस के गले की पट्टी हो गई। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। जैसे ये हमारा पीस है, ये पट्टी ऐसे लगेगी, इस पट्टी को हम ऐसे लगा के ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने ये सिलाई लगा के तैयार कर ली, इसके बाद जो ये गोलाई है इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे। ध्यान रहे सिलाई से दूर ही कट रहे ऐसे गोलाई में, पट्टी को ऐसे करके सीधी और सिलाई इधर करेंगे ऐसे, पट्टी के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे बड़ा नंबर करके। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, पहले हम यह सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने ऊपर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर ली, इसके बाद हम इसके कंधे जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये दूसरा पीस है, इसके ऊपर हम ये ऐसे कंधे रख के देख ऐसे, और जो हमने पट्टी लगाई इस पट्टी को ऐसे ऊपर की साइड मोड़ेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे ताकि जब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे ये कन्नी दब जाए ऐसे। दोनों कंधों को हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे सीधी। जैसे मैंने दोनों कंधों के ऊपर ऐसे सिलाई लगा दी, इसके बाद इसको ऐसा करके देखो ये पट्टी ऐसे ऊपर आ गई और कंधे की सिलाई नीचे चली गई ऐसे इस साइड से ऐसे। अब इसके बाद पट्टी को ऐसे मोड़ के ऐसे और ऐसे गोलाई की पूरी पट्टी में ऐसे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद सिलाई हम बड़ा नंबर करके लगाएंगे, उसके बाद हम हाथ से तुरपाई कर देंगे। जैसे मैंने पीछे वाले पट्टी पर सिलाई करके तैयार कर दिया, इसके बाद हम इसका में फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम पहले सूट को ऐसे फैला देंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे बराबर करके दोनों पीस को, कि हमें ऊपर चेस्ट की 38 इंच है तो हमें 19 इंच पर निशान लगाना है। उसके लिए हम ऐसे पहले फीते से नापेंगे ऐसे, जो हमारा चेस्ट का फिटिंग है वो हम ऐसे 3 इंच वो मुड्ढे से 3 इंच नीचे नाप करेंगे ऐसे। दोनों तरफ से एक 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 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच इधर है और 1 इंच इधर है, ये निशान हम ऐसे सीधा लगा देंगे और इस साइड भी।
इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जहाँ हमने गहराई ली थी वहाँ पे कमर का निशान है। कमर हमारी 35 इंच है गोलाई, तो यहाँ हम 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे इसके बाद हम हिप्स का निशान लगाएंगे। ये हमारे 10 इंच है, 20 इंच है गोलाई, गोलाई 40 इंच है। ऐसे हम 20 इंच पर निशान लगाएंगे। ये ऐसे ये कट है, यहाँ पे हमने ऐसे कट पर निशान लगा दिया ऐसे। इसके बाद ऊपर से हम ऐसे गोलाई करेंगे। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। इसके बाद ऐसे ही दोनों फिटिंग पर हम ऐसे ही जैसे हमने निशान लगाया सीधी सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी, ऊपर का फिटिंग 38 इंच था, 19 हो गया, और यहाँ पे 35, ये 17.5, 35 के आधे 17.5, और हिप्स का लिया था हमने 20, गोलाई थी इसकी 40, तो यहाँ 20 हो गया। ये हमारा फिटिंग हो गया। इसके बाद हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड के लिए जैसे हमें 38 इंच लंबाई तैयार करनी है, ये हम ऐसे नाप लेंगे ऐसे। इसके बाद ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ पे, और दोनों साइड से को इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे बड़ा नंबर करके। इसमें हम सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने नीचे से सिलाई करके फोल्ड कर दिया, इसके बाद हम साइड वाले पल्ले फोल्ड करेंगे। उसके लिए हम जैसे कि हमें 20 पार्ट रखने हैं ऐसे, और ये 23.5 है, तो हमें दोनों तरफ से ऐसे बीच में इतनी जगह इधर रखनी है 1.25 इंच, और 1.25 इंच इधर रखनी है। दोनों साइड हम ऐसे निशान लगा देंगे और ऐसे चारों तरफ के पल्ले को ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे मोड़ के, और ऐसे आगे वाले पीस को भी और पीछे वाले पीस को भी ऐसे इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने दोनों साइड्स के पार्ट सिलाई करके तैयार कर दे, इसके बाद हम बाजू तैयार करेंगे। जैसे मैंने ये बाजू बनाई है, इसमें ये जोड़ आएगा, पहले हम इसमें ये जोड़ देंगे ऐसे, दोनों बाजू में ये जोड़ लगा देंगे। इसके जोड़ लगाने के बाद हम जैसे कि गले में मैंने रेड पाइप डिजाइन बनाया है, तो हम इसमें ये पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी काटी है रेड वाली। जोड़ देने के बाद हम इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे अगली साइड, ऐसी पट्टी पे सीधी सिलाई लगा देंगे। पहले हम जोड़ लगाएंगे। जैसे मैंने जोड़ लगा के आगे ये पट्टी लगा दी है सीधी दोनों बाजू में, अब इसकी पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग अब इस तरह से निकालेंगे, पट्टी को ऐसे करके ऐसी, और ऐसे बारीक पाइपिंग निकाल के इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग पे सिलाई नहीं लगेगी, ऊपर बाजू के ऊपर ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे कन्नी पे। जैसे मैंने दोनों बाजू में पाइपिंग लगा के तैयार कर दी, जैसे मैंने एक सिलाई कन्नी पे सिलाई बताया था, और मैंने एक सिलाई और लगा दी ऐसे, डबल सिलाई लगा दी। इसके बाद हम बाजू की फिटिंग करके इसमें सिलाई लगाएंगे। फिटिंग हम ऐसे करेंगे, जैसे हमें बाजू की गोलाई 10 इंच करनी है, तो हम ऐसे 5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और ऊपर से बाजू की गोलाई हमें 7.5 इंच करनी है, 15 इंच गोलाई, तो 7.5 पर निशान लगाएंगे। और जैसे कि हमें हमारे मुंडों की चौड़ाई है, लंबाई उसकी 8 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, 1 इंच ज़्यादा। अब ऐसे सीधी सिलाई, सीधी लाइन खींच के हम बाजू के फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू में ऐसे ही निशान लगाने हैं। जैसे मैंने दोनों बाजू में फिटिंग की सिलाई दे के बाजू तैयार कर ली,
और मैंने जो आगे वाली गहराई बताई थी वो मैंने पहले ही कटिंग कर दी थी। इसके बाद हम इसे कमीज पर लगाएंगे। और कमीज के लिए कभी कभी ऐसे छोटे बड़े मुड्ढे हो जाते हैं, तो आप अगर छोटे होते हैं तो आप थोड़े बहुत काट सकती हो और अंदर भी अलग से कटिंग कर सकती हो जो अंदर की गहराई का है। उसके लिए हम बाजू को ऐसे लगाएंगे, ऐसे सूट को ऐसे रख के, और जिधर गहरा कटिंग है उसको आगे की तरफ करेंगे। ऐसे दोनों सिलाई को ऐसे मिला के और फिर सूट को ऐसे उल्टा कर लेते हैं। ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाएंगे। जो अंदर का कपड़ा है सूट का वो हम इस साइड मोड़ेंगे और ऊपर वाला कपड़ा हम बाजू का इस साइड मोड़ेंगे। फिर इसको ऐसे करके ऐसे देख लेते हैं। देखो ऐसे गोलाई बिल्कुल ठीक है और दोनों बाजू को हम ऐसे ही जोड़ देंगे। जैसे मैंने दोनों बाजू लगा के तैयार कर दिया है, अब हमारा सूट तैयार हो गया है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता आप कमेंट्स करके पूछ सकती हो। Like this video, please hit the like button and subscribe our channel Malik Fashion Designing.